किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं, जख्म देते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। कान्हा कहते हैं, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है, तू बस धैर्य रख, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया है हमने। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब है। लोग कहते हैं, दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन कान्हा कहते हैं, दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, वही जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है, जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ नहीं। जब महसूस हो सारा शहर तुमसे जलने लगा, समझ लेना तुम्हारा नाम चलने लगा। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस लड़खड़ा के गिरा हूँ, अभी मैं हारा नहीं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। हे कान्हा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। जब उम्मीदें टूटने लगती है तो दुख ज्यादा महसूस होने लगता है। कुछ लोग तो दुख में ही जीवन बिता देते हैं, मन से वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि जिंदगी के संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। हे कान्हा, दुखों का कहर टूट पड़ा मुझ पर जब से तेरा साथ छूट गया। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। नाज है मुझे उन लोगों पर जो दुख सहते तो बहुत है मगर जताते जरा भी नहीं। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। जब भी आपसे कोई चीज छीन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला पहले से कुछ बेहतर देना चाहते हैं। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है, कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात हमसे मिलाने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।
कद्र करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। कान्हा कहते हैं, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जीवन में गिरना भी अच्छा है, हमें अपने औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी में पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करना। गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। प्रभु कहते हैं, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार उठकर गिर जाने में है। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, लेकिन जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कान्हा कहते हैं, किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए।
ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। कान्हा कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जब आपको लगने लगे कि सब आपके खिलाफ जा रहा है तो याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध जाता है, हवा के साथ नहीं। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका प्रेम ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।